हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज के वीडियो में जानेंगे ग्राम पंचायत सहायक का जो ट्रेनिंग होने वाला है कहाँ पर होने वाला है, उसका टाइम टेबल क्या है, ठीक, और कब से कब तक होने वाला है। साथ ही में जानेंगे आपका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कैसा होगा और क्या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा ट्रेनिंग के पहले, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। इसमें बारीकी से सब जानेंगे कैसे क्या करना है, आपको जो खर्च है आने जाने का खर्च है वो भी आपको सरकार की ओर से ही मिलेगा। तो चलिए हम पहले जो सूचना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब जानेंगे कि कौन से जिले का ट्रेनिंग कब है और कितने बजे है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले हम जो ये सूचना है 12 नवंबर 2021 का है, ठीक। तो आप यहाँ विषय में देख सकते हैं, नव चयनित ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का मंडल स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किए जाने के संबंध में। यहाँ देखिए आपका जो मंडल स्तरीय पर होगा और 2 दिन का ये ट्रेनिंग होगा। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि किस जिले का कब ट्रेनिंग है। तो इस पीडीएफ को, पूरे पीडीएफ हमारा 21 पेज का है। चलिए हम पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं, वहीं पे यहीं से आ जाते हैं, 5 से ही आ जाते हैं और पूरा देख लेते हैं। तो चलिए हमने पेज नंबर 5 पर आ गए हैं, अब इसे हम जूम कर देते हैं तब आपको बताते हैं किस कालम में क्या होता है। तो पहले हम कालम के बारे में जान जाते हैं, कौन से कालम में क्या लिखा गया है। तो पहला है तो आपको क्रम संख्या, दूसरा कालम है मंडल का, तो उत्तर प्रदेश में जितने मंडल है सबका यहाँ पर नाम दिया है। उसके बाद जिस मंडल में जो जनपद आता है वो जनपद का नाम है। उसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या, ये ग्राम पंचायत की संख्या है। उसके बाद बैचवार प्रतिवादी की संख्या है, तो इसमें अभी जानेंगे बैचवार। उसके बाद आपका बैच संख्या है कि कौन कौन बैच है, और उसके बाद डेट जानेंगे कब से शुरू है और कब से बंद है, मतलब 2 ही दिन है तो किस डेट से चालू है, किस जिले का और किस डेट को बंद है। तो चलिए हम इसमें देवरिया जिला का समझते हैं और पूरी बारीकी से समझेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है। तो देख लीजिए, गोरखपुर है, गोरखपुर मंडल में आते हैं 4 जिले, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। तो अब यहाँ देखिए देवरिया का ही है। तो अब देखिए देवरिया में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 1185 है, और 1185 में आपका बैच बनाया है 235 का, 235 का, 240 का, 240 का, मतलब इसमें 5 बैच बनाया है, ठीक। अब पांचों बैच का अलग अलग डेट है, यहाँ पे और इधर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए बैच नंबर 1, तो बैच नंबर 1 का जो प्रशिक्षण होने वाला है 22/11/2021 है, मतलब 22 नवंबर से आपको चालू होगा और कब तक होगा, 23 नवंबर तक, मतलब 22 और 23 को 2 दिन होगा। तो पहले दिन आपका तो थ्योरी होगा और दूसरे दिन प्रैक्टिकल होगा, उसका भी हम पीडीएफ देखेंगे कि पहले दिन कितने बजे कौन सा थ्योरी होगा और कौन सा प्रैक्टिकल होगा, पूरा टाइम टेबल दिया है क्या क्या होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे गोरखपुर का देख लेते हैं। तो गोरखपुर में आप देखेंगे तो यहाँ देख लिए बैच नंबर 6 से चालू है आपका, 230 बच्चे रहेंगे इस एक बैच में, और डेट है आपका 2 तारीख 12वां महीना और 2021, मतलब 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आपका ट्रेनिंग होने वाला है। ऐसे ही हर जिले का यहाँ पे दिया गया है, आप अपने जिले का देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप अपने जिले का जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कितने बैच बना है और उनका ट्रेनिंग कब से कब तक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जिले का नाम और मंडल का नाम टाइप कर दीजिए, उस पर वीडियो बना देंगे कि किस कब आपका डेट है। या एक अगर ये सब आप नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल के अबाउट में चले जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपना नाम और अपने जिले का नाम टाइप करके सेंड कीजिए, मैं उसको आपको पीडीएफ, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम अब जानते हैं जो आपका सर्टिफिकेट मिलने वाला वो कैसे दिखाई देगा। तो चलिए इसके नीचे आ जाते हैं और अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपका सर्टिफिकेट ऐसा ही मिलेगा जो प्रमाण पत्र लिखा गया है, तो ऐसे ही मिलेगा, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, तो अगले वीडियो में अब हम सीखेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा। टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि पहले दिन 10 बजे से क्या चालू होगा, फिर से 12 बजे से क्या पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही दूसरे दिन कौन सा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ये सब मालूम है कि पहले दिन आपका थ्योरी होगा और दूसरे दिन प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइम दिया है कितने बजे आपका होगा, तो अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अब अगले वीडियो में हम ये सब सीख सकें पूरे लोगों का नाम कि आगरा जिले के लिए कौन कौन प्रशिक्षण कार्य संभालेंगे, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।